हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति माई सेल्फ प्रीति सैनी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप और वी कैन से ब्लड टाइपिंग तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था तो इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं सो लेट्स बिगिन ब्लड ग्रुप आर ऑल्सो काल्ड ब्लड टाइपिंग और लैंड स्ट्रीनर ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप को हम लैंड स्ट्रीनर ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइपिंग के नाम से भी जानते हैं लैंड स्ट्रीनर ब्लड ग्रुप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्ल लैंड स्टीनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था तो उन्हीं के नाम से हम इसे लैंड स्ट्रीनर ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं और ब्लड टाइपिंग हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्ड स्ट्रीनर ने ब्लड ग्रुप को टाइप्स में डिवाइड किया था टाइप्स मीन्स ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ नेक्स्ट लैंड स्ट्रीनर डिस्कवर द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन नाइनटीन हंड्रड वन तो नाइनटीन हंडर्ड वन में कार लैंडर ने ए बी ओ ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था तो ये क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था और कौन से ईयर में डिस्कवर किया था तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इन 1940 फोर्टी लैंडर डिस्कवर द फैक्टर इन ब्लड एंड लेबलिंग इट आर एच पॉजिटिव इफ द एंटीजन वॉज प्रजेंट इन द रेड ब्लड सेल एंड आर एच इफ नोट तो 1940 में में स्ट्रीनर ने ब्लड में रिसर्च फैक्टर को डिस्कवर किया और उन्होंने इसे लेबल किया आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव से आर एच पॉजिटिव इन्होंने तब बोला जब अगर इफ आर बी सी रेड ब्लड में एंटीजन है तो इन्हों ने आर बी सी में तब इन्होंने इसे आर एच नेगेटिव नाम दिया नेक्स्ट ही वी नोबल प्राइज फॉर दिस तो उनकी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में इसलिए कार्ल एंड स्टीनर को फादर ऑफ ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने ए ब्लड ग्रुप जो सिस्टम था उसको डिस्कवर किया था नेक्स्ट बेस्ड बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग्स इन 1907 हंड्रेड सेवन द फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज परफॉर्म्ड एट माउंट सिंगी हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क तो इनकी फाइंडिंग इनकी डिस्कवरी के बेस पर 1907 में सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया न्यूयॉर्क में माउंट सिंगी हॉस्पिटल में लैंड लैंडर रूल्स तो कार लैंडर ने ब्लड ग्रुप को एंटीजन के बेस पर एंटीजन के बेस पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था अब आप सोच रहे होंगे एंटीजन्स क्या होते हैं बेसिकली एंटीजन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीजन जो होते हैं वो आर सरफेस पे प्रजेंट होते हैं और ये एंटीजन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं डिपेंड ऑन दी ब्लड ग्रुप सिस्टम सो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स से कि उसने किस टाइप के जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं सभी पर्सन का सभी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप सेम ही होता है सेम कंपोनेंट से मिलकर बना होता है डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लेटलेट्स बट जो एंटीजन्स होते हैं एंटीजन्स इन्हें एक दूसरे से डिफर करते हैं तो लैंड स्ट्रीनर ने एंटीजन की प्रजेंस और अपसेंस के बेस पर ब्लड ग्रुप को फोर पार्ट में डिवाइड किया तो फर्स्ट वन इज ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए हैज एंटीजन ए ऑन द रेड ब्लड सेल विद एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा तो ब्लड ग्रुप ए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें उसकी आर सेल जो है वहाँ एंटीजन ए होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रजेंट होगी सेकेंड उन्होंने दिया ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप बी हैज़ एंटीजन बी ऑन द रेड ब्लड सेल विद एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा तो ब्लड ग्रुप बी जो है उसमें उसकी आरबीसी में बी एंटीजन प्रजेंट होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रजेंट होगी जस्ट अपोजिट है ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप ए में उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है और ब्लड ग्रुप बी में उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रजेंट होती है नेक्स्ट थर्ड वन इज ब्लड ग्रुप ओ ओ हैज़ नो एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल बट एंटीजन एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रजेंट इन द्लाज्मा ब्लड ग्रुप ओ जो होगा उसमें उसकी आर बी सी पर कोई रेड ब्लड सेल में कोई एंटीजन नहीं होगा बट उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बेसिकली एंटीबॉडी क्या होती है जब कोई फ़ॉरन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्वेड करता है कोई पार्टिकल इन्वेड करता है या कोई पार्टिकल हम फॉरन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर uh, करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हमें तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है एंटीबॉडीज़ बनाती है तो बेसिकली एंटीबॉडीज भी ग्लाइकोप्रोटीन ही होती हैं जो प्लाज्मा में मिलती है फोर वन था ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीजन नाइदर एंटीजन ए और नोर एंटीजन नाइदर ए और नोर बी बट हैज़ बट नो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए भी जो था उसमें उसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी उसकी आर बी सी में प्रजेंट होगा बट वहाँ कोई एंटीबॉडी प्रजेंट नहीं होगी नाइदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी चलिए इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए में उसकी आर बी सी जो सेल है सेल के सरफेस पर एंटीजन ए प्रजेंट है और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटीबॉडी जो है उसमें एंटीबॉडी बी परजेंट है अब ब्लड ग्रुप बी जो है ब्लड ग्रुप बी में उसके आर बी सी पर एंटीजन बी परसेंट है ये एंटीजन है एंटीजन बी परसेंट है और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए परजेंट है थर्ड ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए बी में इसके आर बी सी सेल पर बोथ ए और बी एंटीजन जो हैं वो प्रजेंट है बट इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रजेंट नहीं है फोर ब्लड ग्रुप ओ आर बी सी सरफेस पर यहाँ कोई भी एंटीजन प्रजेंट नहीं है ना ही एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी अब हम एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं इसके प्लाज्मा में बोथ ए और बी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रजेंट हैं और एंटीजन जो है वो तो हमें पता ही है ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप ए बी में बोथ ए और बी एंटीजन मिलते हैं और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो इस डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको इजीली याद रख सकते हैं अब एक और डायग्राम है ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप का आप देख सकते हैं डायग्राम में ये आर बी सी है ये सेल है और सेल के सरफेस पर ए एंटीजन प्रजेंट है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रजेंट है ऐसे ही टाइप बी टाइप बी में आर बी सी जो सेल है उसके सरफेस पर बी एंटीजन है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रजेंट है थर्ड टाइप ए बी टाइप ए बी में आर बी सी के सरफेस पर बोथ ए और बी एंटीजन जो हैं वो प्रजेंट है और उसके प्लाज्मा में उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रजेंट नहीं है फोर्थ टाइप ओ टाइप ओ में आर बी सी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रजेंट नहीं है बट उसके प्लाज्मा में बोथ एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रजेंट हैं नेक्स्ट ये हम ब्लड टाइप्स हैं कि आ, को आ, हम किसे ब्लड दे सकते हैं और हम किससे ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं तो फर्स्ट है ए पॉजिटिव अब किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ब्लड दे सकता है ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव वाले को और ए पॉजिटिव वाले को और वो रिसीव कर सकता है किससे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले से अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है ओ पॉजिटिव को ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव को और वो रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले से इफ किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो वो ब्लड दे सकता है बी पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को और वो ब्लड रिसीव कर सकता है बी पॉजिटिव वाले से बी नेगेटिव वाले से ओ पॉजिटिव वाले से और ओ नेगेटिव वाले से अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ब्लड दे सकता है सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को और वो रिसीव कर सकता है कि एवरी वन किसी से भी ब्लड वो ले सकता है नेक्स्ट अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए ए नेगेटिव है तो वो ब्लड दे सकता है ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव वाले को ए बी पॉजिटिव वाले को और ए नेगेटिव वाले को और वो रिसीव कर सकता है सिर्फ ए नेगेटिव वाले से और ओ नेगेटिव वाले से नेक्स्ट अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो ब्लड दे सकता है वो सबको ब्लड दे सकता है और रिसीव सिर्फ किससे कर सकता है ओ नेगेटिव से तो ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड दे सकता है और वो किससे ब्लड ले सकता है तो वो ब्लड दे सकता है सबको और ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से इफ किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो वो ब्लड दे सकता है बी पॉजिटिव वाले को बी नेगेटिव वाले को ए बी पॉजिटिव वाले को और ए बी नेगेटिव वाले को और वो रिसीव कर सकता है बी नेगेटिव वाले से और ओ नेगेटिव वाले से लास्ट अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो वो ब्लड दे सकता है ए बी पॉजिटिव को ए बी नेगेटिव को और वो ब्लड रिसीव कर सकता है ए बी नेगेटिव से ए नेगेटिव से बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से लेट सी सम फैक्ट अबाउट ब्लड तो हम यहाँ ब्लड के कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो फर्स्ट है ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैजिटिव ब्लड ग्रुप तो ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट जो पॉपुलेशन है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव होता है नेक्स्ट पेशेंट विद टाइप ओ ब्लड ग्रुप मस्ट रिसीव टाइप ओ ब्लड ग्रुप तो सेम वही चीज लिखी है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है थर्ड टाइप ओ ब्लड ग्रुप इज़ दी यूनिवर्सल ब्लड टाइप एंड इज़ दी ओनली ब्लड टाइप दैट कैन ट्रांसफ्यूज टू पेशेंट विद अदर ब्लड टाइप तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है यूनिवर्सल डोनर मीन्स वो सबको ब्लड दे सकता है सबको मीन्स अदर ब्लड टाइप्स जो होते हैं ए बी ए बी वाले वो सबको ब्लड क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है फोर्थ ओनली अबाउट सेवन परसेंट ऑफ ऑल पीपल हैव टाइप ओ नेटिव ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव ब्लड जो है सेवन परसेंट बहुत कम लोगों का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है नेक्स्ट देयर इज ऑलवेज नीड ए नीड फॉर टाइप ओ डोनर बिकॉज दे आर ब्लड मे बी ट्रांसफर्ड टू ए परसन ऑफ एनी ब्लड टाइप इन एन एमरजेंसी तो ओ ब्लड ग्रुप वाले की हमेशा नीड होती है जैसे बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम अगर हमें ब्लड की जरूरत होती है तो हम ओ डोनर वाले से ब्लड ले सकते हैं और उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं किसी पेशेंट में नेक्स्ट ए बी इज द यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे ब्लड ले सकता है नेक्स्ट अराउंड थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप इन कंट्री तो थर्टी परसेंट पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉज़िटिव होता है जैसे यूके में जो ऑलमोस्ट पीपल जो है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है नेक्स्ट ईच ईयर मोर देन फोर फाइव मिलियन लाइव आर सेव बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम फोर टू फाइव मिलियन लाइफ जो हैं पीपल जो हैं उनको हम सेव करते हैं उनकी लाइफ को हम बचाते हैं नेक्स्ट पीपल विथ टाइप ओ ब्लड ग्रुप आर लेस असेप्टेबल टू मलेरिया तो इफ़ किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सो डोनेट योर ब्लड फॉर ए रीज़न लेट द रीज़न टू बी लाइफ तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू